स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल में। आज ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट देखते हैं। कल के तेजी के बाद आज मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग काफी हुआ है, सेलिंग प्रेशर काफी है, जिसके कारण मार्केट 5.16% डाउन है। बिटकॉइन का स्टेटस देखते हैं, बिटकॉइन 4.5% डाउन है और इसकी कीमत है अभी 33,99,534 रुपये के आसपास। इथर की बात करेंगे तो इथेरियम 6% डाउन है और इसकी करंट कीमत है 2,51,106 रुपये। देखते हैं टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स। टॉप गेनर्स में जो पिछले 24 घंटों में जिसने सबसे अच्छा रिटर्न्स दिया है, पहले नंबर पे है क्रोटामा 435% अप है। सेकेंड नंबर पे है कैरेट पिट 320% अप है। तीसरे नंबर पे है टाइटन स्वैप 210% ऊपर। टॉप यूजर्स पिछले 24 घंटों में तीन कौन से क्वाइन हैं जो सबसे ज़्यादा माइनस में चल रहे हैं, नीचे गिरे हुए? फर्स्ट मेटा साइबर 99% डाउन, दूसरे नंबर पे है सेफ रॉकी 87% डाउन और तीसरे नंबर पे है BOFP 74% डाउन। अभी देखते हैं FGI फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। सेलिंग प्रेशर के कारण ये इंडेक्स नीचे हो गया है, 48 पॉइंट्स इसका अभी चल रहा है, जो कि इंडिकेट करता है कि मार्केट न्यूट्रल पोजीशन में है। कल की बात करते हैं तो कल ये कुछ 53 पॉइंट्स पे था, पिछले हफ्ते ये 55 पॉइंट्स पे था और पिछले महीने ये 23 पॉइंट पे था। टेरा का जो USDT स्टेबल कॉइन है, अभी बाइनेंस जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, उसने स्टेकिंग ऑप्शन ओपन किया हुआ है। आप टेरा का USDT को वहाँ पे स्टेक कर सकते हैं बाइनेंस के एक्सचेंजेस में और एनुअल 19.63% आप APY एनुअल परसेंटेज यील्ड उसमें से अर्न कर सकते हैं। सेकेंड न्यूज, कार्डानो मार्क्स न्यू ATH विथ नंबर ऑफ होल्डर्स रीचिंग 5.1 मिलियन। सो अगर आप देखेंगे तो कार्डानो नेटवर्क जो है वो एक नई माइलस्टोन की तरफ दौड़ रहा है, उसके 5 मिलियन एड्रेस फंक्शनिंग कर रहे हैं नेटवर्क में, जो कि ये साल में 48% का उछाल है, जंप है। ओके, और ये जो इनका नंबर ऑफ एड्रेसेस है, ये इसके लिए है क्योंकि कई सारे डैप्स और कई सारे सॉल्यूशंस जो है ये कार्डानो के नेटवर्क में लॉन्च हुए हैं, जिसके कारण इसमें कई सारे एड्रेसेस जो है फंक्शनिंग कर रहे हैं। शिबा इनू के बारे में बात कर रहे हैं तो शिबा इनू की जो डेवलपर कम्युनिटी है, उन्होंने एक ट्वीट किया था अपने तरफ से और उन्होंने कहा था कि वो शिबा इनू के ऊपर, शिबा इनू में 4 मेजर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और ये जो प्रोजेक्ट्स है थोड़े दिनों में ये लॉन्च हो जाएंगे। ओके, सो अभी इनका मेजर ये जो 4 प्रोजेक्ट्स है उसमें से शिप द मेटावर्स जो है, जिसमें हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि वहाँ पे 1,09,515 प्लॉट्स है, ज़मीन के टुकड़े हैं। सेकेंड जो प्रोजेक्ट है वो शिबेरियम है, जो कि शिबा इनू के रेयर टू सॉल्यूशन है। ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं आउट ऑफ 4 प्रोजेक्ट्स जिस पे ये मतलब काम कर रहे हैं। बात करते हैं ट्रांजैक्शन फीस के बारे में, तो अभी सबको पता है कि जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है इथेरियम में और बिटकॉइन में। बट अभी एक रिसर्च रिपोर्ट आया गैलेक्सी डिजिटल के माध्यम से, के थ्रू से, उसने कहा है कि जो बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी कम हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो भी आप बिटकॉइन जब ट्रांसफ़र करते हैं अपने वैलेट से एक्सचेंजेस में, चाहे आप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में करें या सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में करें, तो जो आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी होती है अभी वो काफ़ी कम हो गई है। सो ये रिसर्च के हिसाब से अगर आप 2022 में देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन फीस कम होकर 2.06 USD हो गई है। इथेरियम का भी सेम केस है, इसकी भी जो ट्रांजैक्शन फीस है वो काफ़ी कम हो चुकी है। इथेरियम का जो फीस है वो 90% ड्रॉप हो चुका है नवंबर 2021 के हिसाब से आप कंपेयर करेंगे तो। और जो इसका इथेरियम का जो 2.0 प्रोजेक्ट्स है, वो क्रिप्टो मार्केट जो है, कम्युनिटी जो है, वो काफ़ी देख रही है ध्यान से, क्योंकि जैसे वो इंट्रोड्यूस करेगा मेजर अपग्रेड्स जून 2022 के आसपास, वैसे कई सारे चेंजेस होंगे। फिर सेंटीमेंट के जो एक ऑन चेन डाटा प्रोवाइडर है, उसके हिसाब से जो ETH फीस है
वो 90% ड्रॉप हो चुका है। अगर आप इथेरियम फीस का एवरेज गैस फीस देखेंगे तो अभी ये 5.81 USD है, लेकिन यही आप मई 2021 में देखेंगे। मई 11, 2021 जब एकदम पीक था तब इथेरियम का गैस फीस था 69.57 USD और नवंबर 8, 2021 में है 62.85 USD था, उसके मुकाबले अब है 5.81 USD, मतलब 90% ड्रॉप हो गया है इथेरियम का गैस फीस के ऊपर। फिर वेयर्स के एक्यूमेशन चल रहे हैं, 3 बिगेस्ट ETH वेयर्स एक्यूमेट 245,413 FTX टोकन, जो कि वर्थ है 12.25 मिलियन USD। अभी जो वेयर्स है FTX टोकन में, FTX टोकन मीन्स FTT जिसका डिनोशन है और ये यूटिलिटी कॉइन है क्रिप्टो डेरिवेटिव एक्सचेंज FTX के, तो उसमें काफ़ी उनको इंटरेस्ट आया। जो डेटा कंपाइल किया गया है वेयर्स स्टैट्स के हिसाब से, उन्होंने ये कहा है कि 3 वेयर्स ने मिल के 245,413 FTX टोकन, जो कि वर्थ 12.25 मिलियन USD है, पिछले 48 आवर्स में उन्होंने उतना FTX टोकन बाई किया हुआ है। डोज कॉइन के बारे में, डोज कॉइन सीज वेयर ट्रांजेक्शन जंप 110% एमिड ऑनगोइंग प्राइस रैली। अभी आपको पता है कि जैसे कि डोज कॉइन में काफ़ी 2-4 दिनों से थोड़ी तेज़ी देखी गई है, जब से ये पता चला कि टेस्ला के जो CEO है एलन मस्क, उनका ये फेवरेट कॉइन है डोज कॉइन, और ये हमेशा ट्विटर में ट्वीट करते रहते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 9.2% स्टेक जो है ट्विटर में उन्होंने परचेस किया हुआ है, और पिछले 24 घंटों में ये बात पता चलने के बाद जो वेयर्स है उनका जो ट्रांजैक्शन है पिछले 24 घंटों में डोज कॉइन में काफ़ी बढ़ चुका है।